opportunity. So, to वेलकम टू माई चैनल प्लेम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम है तो मैं रेडी हो रही थी और अभी फिर मार्केट जाना है शॉपिंग करने। आजकल अभी हमारे लाइफ में ना यही चीज चल रहा है, क्या सामान लाना है, क्या आ गया है, क्या रह गया है, क्या करवाना है, ऐसे वैसे यही चल रहा है पूरे टाइम। और ऑनलाइन जो चीज़ें मंगाई हैं तो कभी कोड ढूंढो, कभी कुछ करो, कभी कुरियर वाला आया, कभी डिलीवरी वाला आया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, यही चल रहा है। तो अभी हम लोग निकले हैं शॉपिंग करने और अब हम लोग की वाली नहीं, अब मतलब ना होने वाली देवरानी जो है ब्राइड के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। जो ग्रूम की तरफ से शॉपिंग करी जाती है ना ब्राइड के लिए, वो वाली करने जा रहे हैं, चढ़ावे वाली। तो हम लोगों ने सोचा, मतलब घर में भी ऐसा था सबका कि वहीं से तुम लोग इकट्ठे कर लो, वरना फिर कहाँ इतनी गर्मी में बार बार भगते रहेंगे। और घर में वैसे भी ऑलरेडी इतना सारा काम लगा हुआ, इतना वॉश वॉश हो रखा है कि माँ के पास अभी फिलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो हमें लगा कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग यहाँ फ्री हैं ही, तो यहीं से इकट्ठे सारी शॉपिंग कर लेते हैं। क्या हुआ बुद्धू, क्या हुआ? चाची के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं क्या? ये भी देखो चाची के लिए कितनी मेहनत कर रहा है ना, चाची लानी है तो अभी चलते हैं, देखते हैं। फिलहाल सोच रहे हैं हम लोग अबुलेन में ही आई थिंक, और कहीं मतलब इन्होंने देखा है तो कई सारे शोरूम हैं, तो वहीं चलते हैं, देखते हैं साड़ियाँ कैसा क्या है कलेक्शन। तो हमारी वाली जो शॉपिंग है वो हम लोग की ख़त्म हो चुकी है, अभी अब देवरानी वाली शॉपिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेन तो अभी साड़ियाँ लेना है, कई सारी चढ़ावे में साड़ियाँ जाती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है इतनी सारी साड़ियाँ लेना, सिलेक्ट करना, पसंद करना, और सब थोड़ा सा वैसे ही रहती है ना दुल्हन के हिसाब वाली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी बड़ी है, बट ठीक है चलते हैं। बिल्कुल लाइट हो गया, ये लुक वाइज स्मार्ट है, वाइल लुक साड़ी होती है। अली रहे हैं और हम लोग आ गए हैं अभी हारमनी में। हमने सोचा कि अभी चलते हैं, शॉपिंग हमारी हो गई है
और अब चलते हैं हारमनी में, कुछ खा पी लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि अभी लेट काफ़ी हो ही गए हैं, तो लगा कि अभी खा पी करके फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग घर। और शॉपिंग अभी वैसे पूरी नहीं हुई है, एक बार ही हमें फिर आना पड़ेगा, तो आएंगे अभी फिर कल या परसों तक में एक बार, फिर जो भी साड़ियाँ और बची हैं वो लेना है। मैं सोचा ना एक बार में लूँगी तो फिर वही होगा कि कुछ ऐसी साड़ियाँ आ जाएंगी जो कम अच्छी होंगी या कम अच्छी लग रही होंगी, बट वही इकट्ठे के चक्कर में होता नहीं कि हाँ चलो ठीक है इसको भी ले लो, तो मुझे लगा चलो दो तीन बार में कर लो, बट अच्छी अच्छी थोड़ा सा ना कलेक्शन जो मतलब बहुत सारे में देखने में ना कुछ साड़ियाँ लो, वैसे टाइप का मेरा था कि दो तीन बार जा करके ले लेंगे, लेकिन एक बारी में इकट्ठे नहीं लेना है कि फिर बहुत सारा ना हौज पौज करके फिर कुछ साड़ियाँ मजबूरी में लेना पड़े, तो इसलिए अभी एक दो बार और जाना पड़ेगा लेने। फिलहाल चलते हैं हम लोग, चलते हैं अंदर कुछ खाते पीते हैं क्योंकि भूख लगी है, पूरा 3 घंटा हो गया हम लोग को। और लास्ट टाइम ना मैं मेरे बर्थडे पे आई थी, बेटों को भी ना भूख लगाई होगी, काफी टाइम हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेटर मंगाया था, तो अभी इसको खाएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कितनी भूख है उस हिसाब से फिर मेन कोर्स में कुछ हल्का फुल्का मंगा लेंगे। वैसे ये प्लेटर में ही इतना ज़्यादा रहता है ना कि इसको आप अगर 2 जन खाते हो तो बहुत ना एकदम फुल फिल हो जाता है पेट, ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और बेटू को इसमें ना पनीर वाला ऑप्शन रहता है खिलाने का, इसलिए हमारा रहता है कि हाँ चलो प्लेटर मंगा लेते हैं। चलते हैं अब, ये डिनर ही होगा क्योंकि अभी 9 बजने वाला है, अब बिल्कुल भी अब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो स्टार्टर नहीं इसको डिनर ही बोलेंगे। आते हैं कुछ ना कुछ बर्थडे पार्टी टाइप का रहता है, तो इतना रस रहता है ना। यहाँ कई सारे फ्लोर में हैं,
तो कहीं इंगेजमेंट होती है, कहीं बर्थडे पार्टी होती है, कहीं कुछ होता है, तो इसकी वजह से ना बहुत भीड़ रहती है। गाड़ी कहाँ पार्क है, उनको बोल दो ना पार्किंग गाड़ी ले आए। ये वाला जो मौसम है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं। अभी ना इस टाइम पे मौसम अच्छा हो रखा है, बट शादी आते आते ना बहुत गर्मी होने वाली है, हालत ख़राब हो जाएगी।